हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आशीष झा आपको क्रिटिकल थिंकिंग का एक चैप्टर है डेफिनेशंस, इसके ऊपर मैं अब डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है डेफिनेशंस, ये टॉपिक जो है फिलॉसफी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करेंगे डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशंस होता क्या है और ये बनता कैसे है, इसका क्या पर्पस होता है और क्या टाइप्स हैं इसके दोस्तों, ठीक है। तो हम बात एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम किसी वर्ड का डेफिनेशन ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए हम डिक्शनरी पलटते हैं, हर एक चीज़ के डेफिनेशन को हम जानना चाहते हैं। डेफिनेशन का मायने क्या है, क्या मतलब है, यह डिफिकल्ट नहीं है। जब हम किसी चीज़ का अर्थ बताते हैं तो लोग अपने अनुसार अर्थ को घुमा देते हैं। अब वह अपनी बात को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए या ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ लोग बातों को इस ढंग से बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, परिभाषित करते हैं जो उनके फायदे के लिए हो या उनके हित के लिए हो, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, एक हमें मतलब डेफिनेशन की हमें मतलब एक सही अच्छा डेफिनेशन चाहिए, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल हो या सभी के लिए यूजफुल हो, ठीक है। एक प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग अगर क्लियर कट डेफिनेशन देते हैं तब जाकर वह अपने डेफिनेशन जो है अपने उद्देश्य में सफल होता है। अब जैसे मान लीजिए पतंजलि ने कोरोना जारी किया, टेस्टिंग की जो प्रक्रिया थी, जो लोग बीमार हैं, असल में उन पर उनको टेस्टिंग करना चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया, जो लोग नहीं भी बीमार थे उस पर भी टेस्टिंग चालू कर दी। तो एक तरह से ठीक डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट, दो नहीं तीन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह स्पष्ट नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और यह सबके लिए एक होना चाहिए और इमोशनल नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन को हम तथ्यों के आधार पर तैयार करते हैं। और जो सबके लिए, तो मतलब सबके लिए एक ही हो, ये नहीं कि सबके लिए डेफिनेशन अलग हो। और मेन पॉइंट क्या है कि डेफिनेशन क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लैरिटी ऑफ फ्रेम होना चाहिए, पूरा एक स्पष्ट डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे किसी ने पूछा कि पर्सन क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि पर्सन वो होता है जिसका शरीर है, मन है, माइंड है, कुछ लोगों ने उसको माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। अब जैसे कई जगह एक जैसे कंट्री है, वहाँ पे कहते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका गर्भ के जन्म गर्भ से ही उनका अस्तित्व है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, जब वो बाहर निकल जब वो अच्छा गर्भ से बाहर निकलता है तब उसके अंदर कॉन्शियसनेस आती है। पर कुछ लोगों ने इसे गलत भी ठहराया, कहा कि आप अगर आप किसी की जान ले बचा नहीं सकते तो आप किसी का जान ले भी नहीं सकते, किसी बच्चे की जान ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो डेफिनेशंस के अलग अलग मायने हैं और कई जगह इस विषय पर कानून भी बने हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। और मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, जैसे कोई महिला है, उसके घर में छोटा शिशु है, क्या वो पर्सन है या नहीं, हमारा व्यू उनके प्रति क्या है, ठीक।
ठीक है, अगर हम डेफिनेशन ठीक से नहीं करेंगे तो एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, यानी कि अस्पष्टता क्रिएट होगी, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रहेगा डेफिनेशन जो हम करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि फ्रीडम जरूरी है, सोसाइटी में बोला जाता है कि फ्रीडम, फ्रीडम के नाम पर कुछ भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मारकाट ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी अब मान लो तमाम टॉपिक्स हैं, जस्टिस है, रेप केसेस हैं, जस्टिस में जस्टिस के नाम पर कई लोगों ने बुक तक लिख दी, जैसे जॉन लॉक ने अपनी बुक लिख दिया थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस का मायना कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है, इसको देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बात आती है जो रेप केसेस है, तो मान लीजिए किसी का रेप हो जाता है तो कहते हैं कि भाई इसको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और जो अपराधी है उनको पकड़ने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि उसको जस्टिस मिलेगा जिसका रेप हुआ है। तो ये सब समाज में चलता ही रहता है, तो आपको समझाने के लिए मैंने इन उदाहरणों का प्रयोग किया। जैसे कई जैसे पब्लिक है, पब्लिक ही है जो नेता गुमराह करते हैं कि वो अपने लिए काम करता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो अपने लिए स्वार्थ के लिए, हित के लिए, स्वार्थ और हित के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी या देश के लिए काम करता है। फिर तो लोग अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। हमें जो है हमेशा उपयुक्त परिभाषा की ओर बढ़नी चाहिए, मतलब एकदम सही डेफिनेशन होना चाहिए। जैसे स्कूल में हर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ हम डेफिनेशन को चेंज भी कर देते हैं, अपने हिसाब से डेफिनेशन को बना लेते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन को हिंदी में परिभाषा कहते हैं, और डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, यही इसका मतलब था। अब आते हैं पर्पस ऑफ डेफिनेशन, मतलब परिभाषा का उद्देश्य क्या है। पहला है लेक्सिकल या शाब्दिकल, किसी वर्ड ये शब्द के बारे में मीनिंग बतला देना, मतलब कि सिंपली की साधारण शब्द का मायने बतलाना, और यह सबसे बड़ा पर्पस है। जैसे क्रिकेट हाथ से खेलते हैं, फुटबॉल पैर से खेलते हैं, एप्पल्स में सेब होता है जो कि फल है और इसे हम उसे खाते हैं इससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। दूसरा सेकेंड पर्पस है इसका स्टिपुलेटिव, STIPULATIVE, स्टिपुलेटिव मतलब विशेष मीनिंग प्रोवाइड करते हैं स्पेशल किस्म। जैसे मान लो एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई हमेशा हम सामान्यता करते हैं, पर आपने ये नोटिस करा होगा या देखा होगा कि एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई के रूल बदल जाते हैं, हम सिर्फ हमारा फोकस उस टाइम पढ़ाई पे ही होता है और हम उसे अचीव करना चाहते हैं, कई कई घंटे पत्ते रात भर नहीं सोते कई स्टूडेंट्स, तो ये स्पेशल केस में होता है। जैसे कि बातचीत का तरीका ही देख लो, आमतौर पर लोग कुछ भी बात करते हैं, और एक डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है जैसे कई लोग अलग अलग कंट्री के बारे में बात करते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ये हो गया सेकेंड पर्पस। अब थर्ड पर्पस है प्रिसाइसली, मीनिंग को अपने हिसाब से प्रिसाइज कर देते हैं, जैसे कि मतलब अपने जरूरत के हिसाब से मीनिंग प्रिसाइज कर देते हैं। जैसे डॉलर की कई मोड है, यूएस में जैसे डॉलर के कई मोड हैं, कैनेडियन डॉलर, यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब मान लें इसको एक अन्य उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ जो कि थोड़ा आसान है। जैसे कॉलेज में मान लो ऑफिस में टीचर की मीटिंग है स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन इसमें सब स्टूडेंट्स की मीटिंग थोड़ी होगी, क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे सारे भी स्टूडेंट्स की मीटिंग तो टीचर के साथ नहीं होगी। हाँ, कुछ उन स्टूडेंट्स की होगी मीटिंग टीचर्स के साथ जिनको प्रॉब्लम हो कुछ सब्जेक्ट में, या कोई और प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसे टीचर्स होंगे जिनका कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ, सिलेबस उन्होंने अभी तक पूरा कम्प्लीट नहीं किया। इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ को हम अपने हिसाब से या जरूरत के हिसाब से बदल देते हैं। चौथा आता है परसुएसिव,
परसुएसिव PERSUASIVE प्रेरक प्रेरित करना, किसी को कन्विंस करना, जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने प्रेरित किया लोगों को कि आंवला रस पियो तो शरीर में ताजगी बनी रहती है। और ऐसे कई और उदाहरण भी हैं जिसे आप अपने मन से ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई लीडर है, उन्होंने कहा कि आप मुझे मतलब वो हाँ उन्होंने ये कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए ये काम करवा दूँगा, ठीक है। और वो मान लीजिए इस काम को फुलफिल कर देते हैं। मान लीजिए कोई लीडर यह कहता है कि किसी क्षेत्र में एक NGO खुलना चाहिए, जिससे कि मतलब वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनका उनकी उनका भला हो सके। एक तरह से ये लोगों को प्रेरित करता है, तो ये हो गया परसुएसिव। और दोस्तों कई बार लीडर होते हैं, कभी कभी ऐसा बतलाते हैं लोगों को ताकि वो लोगों को विश्वास दिला सके, उन्हें कन्विंस कर सके, ठीक है, और उनका पर्पस पूरा हो सके। यह एक इमोशनल अपील है लीडर्स के द्वारा, ठीक है। और हम कहते हैं कि डेफिनेशन ही यही है, उनकी बात को मान लेते हैं, अचानक से हमें जो है उनकी बात पर हमें भरोसा हो जाता है, ठीक है। और इसका काफ़ी प्रयोग मीडिया में होता है, और मीडिया इसका यूज बहुत ज़्यादा करती है, और आप सभी इससे रूबरू होंगे ही, देखते होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, परिभाषा के कितने प्रकार। पहला है डेफिनेशन बाय एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मतलब इसमें इसके अंतर्गत होता क्या है, अर्थ को हम उदाहरण के माध्यम से बतलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि व्हाइट, हम ब्लैक व्हाइट ब्लैक बोर्ड दिखाते कहते कि ये देखो व्हाइट है, उदाहरण से डेफिनेशन को समझाते हैं। जैसे कोई बोले काव क्या है, तो हम उसको गाय के पास ले आते हैं, उसे दिखाते हैं कि यह काव है या गाय है। मतलब सेकेंड टाइप से डेफिनेशन का, डेफिनेशन बाय सिनोनिम, दूसरे शब्द की सहायता से इसका अर्थ बतला देना। जैसे किसी ने पूछा कि नील गाय कैसी होती है, तो हम गाय के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं ये देखो ऐसा गाया गाय के जैसी ही होती है। मान लो किसी ने कहा कि जो राजभोग मिठाई है तो कैसे क्या होता है, मान और उस व्यक्ति ने कभी मान लो खाया ना हो जिसने मेरे से यह पूछा हो, तो हम उसे समझाते हैं वो तुमने खाया है वो जो बड़ी बड़ी मिठाई होती है बड़ी वाली, वो उसी की तरह होता है। तीसरा है एनालिटिकल डेफिनेशन, विश्लेषणात्मक परिभाषा, इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट फीचर्स। जैसे मान लीजिए किसी और कंट्री से खाने का सामान या समोसा आता है मान लीजिए दूसरे कंट्री, तो हम उसके विशेष गुणों को बतलाते हैं, इसमें पोटैटो है, आलू है, मटर है, मूंगफली है। जैसे मान लीजिए मोबाइल का ही एग्जांपल, मान लीजिए मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इस मोबाइल के फीचर्स को बताऊँगा, इसमें इतना रैम है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये हो गए एनालिटिकल डेफिनेशन। तो दोस्तों ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। Thank you.